नमस्कार दोस्तों शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे जो लगातार परीक्षा में पूछा जाता है तो सभी साथी क्लास में शुरू से अंत तक जुड़ें और क्लास का आनंद लें चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें यह सेशन आपको कैसा लगा तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मेरे सपनों का भारत मेरे सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ऑप्शन है राहुल गांधी दूसरा ऑप्शन है तरुण विजय तीसरा ऑप्शन है अमित शाह चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा तरुण विजय मेरे सपनों का भारत के पुस्तक के लेखक हैं सभी साथी क्लास में ही सभी क्वेश्चन को याद करते चलेंगे तो पहला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है मेरे सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है तरुण विजय हैं अगला देखते हैं रावण पुस्तक के लेखक कौन हैं तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ऑप्शन है किशोर बंसल दूसरा ऑप्शन है अमित त्रिपाठी तीसरा ऑप्शन है रजत नायर चौथा है इनमें से कोई नहीं तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा अमित त्रिपाठी बी ऑप्शन सही हो जाएगा रावण रावण पुस्तक के लेखक कौन है तो अमित त्रिपाठी हैं बी ऑप्शन सही हो जाएगा काफ़ी इजी क्वेश्चन है आसानी से याद कर लेंगे अगला देखते हैं द रिपब्लिकन एथिक पुस्तक के लेखक कौन हैं तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर राव दूसरा ऑप्शन है अमित शाह तीसरा ऑप्शन है रामनाथ कोविंद चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा रामनाथ कोविंद रामनाथ कोविंद पुस्तक के लेखक द रिपब्लिकन एथिक पुस्तक के लेखक हैं रामनाथ कोविंद आपके भारत के राष्ट्रपति हैं प्रजेंट टाइम में रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति कौन हैं एम बकाया नायडू हैं यदि सभी साथी करेंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो सभी साथी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं डाला हुआ है तो इस पुस्तक का क्या है दोस्तों द रिपब्लिकन एथिक पुस्तक के लेखक रामनाथ कोविंद हैं याद हो चुका होगा अगला देखते हैं आराम राम से सभी क्वेश्चन को याद करने का प्रयास करेंगे लोकतंत्र केशवर के पुस्तक के लेखक कौन हैं तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी दूसरा ऑप्शन है रामनाथ कोविंद तीसरा ऑप्शन है अमित शाह चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा रामनाथ कोविंद लोकतंत्र के स्वर के पुस्तक के लेखक रामनाथ कोविंद हैं तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा लोकतंत्र के स्वर के पुस्तक के लेखक रामनाथ कोविंद हैं नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं अमित शाह गृह मंत्री हैं है। रामनाथ कोविंद क्या हैं राष्ट्रपति हैं रक्षा मंत्री कौन हैं राजनाथ सिंह हैं और बकाया नायडू एम बकाया नायडू उपराष्ट्रपति हैं तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है लोकतंत्र के स्वर के पुस्तक के लेखक रामनाथ कोविंद हैं अगला देखते हैं दिल्ली मेरी दिल्ली दिल्ली मेरी दिल्ली बिफोर एंड आफ्टर 1998 नाँटी पुस्तक के लेखक कौन हैं तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ऑप्शन है मनीष सिसोदिया दूसरा ऑप्शन है शिला दीक्षित तीसरा ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल चौथा है इनमें से कोई नहीं तो इस क्वेश्चन में सभी साथी कन्फ्यूज हो जाएंगे तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं तो अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री तो दिल्ली मेरी दिल्ली बिफोर एंड आफ्टर 1998 नाइन्टी पुस्तक के लेखक कौन है शिला दीक्षित है आसानी से याद कर लेंगे सभी साथी अगला देखते हैं काफ़ी इजी इजी से आज सभी क्वेश्चन को देख रहे हैं ताकि वीडियो में ही याद हो जाए आप वो पढ़ते समय दो तीन बार रिपीट कर लेंगे रेडियो कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन हैं तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ऑप्शन है प्रियंका गांधी दूसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह तीसरा ऑप्शन है राजेश भट्ट चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा राजेश भट्ट रेडियो कश्मीर रेडियो कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन हैं राजेश भट्ट हैं तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा रेडियो कश्मीर पुस्तक के लेखक राजेश भट्ट हैं अगला देखते हैं खूनी बैसाखी पुस्तक के लेखक कौन हैं तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ऑप्शन है नानक सिंह दूसरा है नवदीप सूरी तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों चौथा है इनमें से कोई नहीं तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा ए व बी दोनों खूनी बैसाखी पुस्तक के लेखक कौन है ए बी दोनों है यानी नानक सिंह और नवदीप सूरी दोनों हैं तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा खूनी बैसाखी पुस्तक के लेखक नानक सिंह और नवदीप सूरी हैं अगला देखते हैं गन आइलैंड पुस्तक के लेखक कौन हैं तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ऑप्शन है सोनिया गांधी दूसरा है अमिताभ घोष तीसरा है पीयूष गोयल चौथा है इनमें से कोई नहीं तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा अमिताभ घोष गन आइलैंड, गन आइलैंड पुस्तक के लेखक कौन हैं अमिताभ घोष हैं तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा अगला देखते हैं अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ऑप्शन है सोनिया गांधी दूसरा है दीपिका पादुकोण तीसरा है प्रियंका चोपड़ा चौथा है इनमें से कोई नहीं तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा अनफिनिश्ड अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियंका चोपड़ा हैं तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला देखते हैं इसमें हम दोस्तों पच्चीस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे वैसे तो दोस्तों पुस्तक आपके एस एस सी एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है बाकी और सभी एग्जाम में पूछा जाता है इंडिया 2019 पुस्तक के लेखक कौन हैं तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ऑप्शन है किशोर शर्मा दूसरा ऑप्शन है राजीव महर्षि तीसरा ऑप्शन है रोहित बंसल चौथा है इनमें से कोई नहीं तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा राजीव महर्षि इंडिया इंडिया 2019 पुस्तक के लेखक कौन है राजीव महर्षि हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा अगला देखते हैं इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन हैं तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी दूसरा है अरविंद केजरीवाल तीसरा है चेतन भगत चौथा है इनमें से कोई नहीं तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा चेतन भगत इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन हैं चेतन भगत हैं तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा अगला देखते हैं हिट रिफ्रेश पुस्तक लेखक कौन हैं तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला है मुकेश अम्बानी दूसरा है सत्य नडेला तीसरा है सुंदर पिचाई चौथा है इसमें से कोई नहीं तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा सत्यानडेला हिट रिफ्रेश पुस्तक लेखक कौन हैं तो सत्यानडेला हैं बी ऑप्शन सही हो जाएगा और दोस्तों एक बात बता देते हैं जितने भी साथी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों अमृत लाल सर जी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो आप वो सीख सकते हैं काफ़ी अनुभवी टीचर हैं अगला देखते हैं लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन हैं लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन हैं पहला ऑप्शन है अभिनव चौहान दूसरा है सुशील मोदी तीसरा है अनुराग ठाकुर चौथा है इनमें से कोई नहीं तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा सुशील मोदी लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन हैं तो सुशील मोदी हैं अगला देखते हैं बोलना ही है बोलना ही है। पुस्तक के लेखक कौन हैं तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला है सुधीर चौधरी दूसरा है अमित शाह तीसरा है रवीश कुमार चौथा है इनमें से कोई नहीं तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा रवीश कुमार बोलना ही है पुस्तक के लेखक कौन है रवीश कुमार हैं तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा काफ़ी शानदार क्वेश्चन है अगला देखते हैं बिंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी दूसरा है पारो आनंद तीसरा है सोनिया गांधी चौथा है इनमें से कोई नहीं तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा पारो आनंद बिंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं तो पारो आनंद हैं बी ऑप्शन सही हो जाएगा अगला देखते हैं एक बार दोस्तों कलर चेंज कर लेते हैं द गर्ल इन रूम 105 पुस्तक के लेखक कौन है तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ऑप्शन है राहुल गांधी दूसरा है विवेक बिंद्रा तीसरा है चेतन भगत चौथा है इनमें से कोई नहीं तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा चेतन भगत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द गर्ल इन रूम वन हंड्रेड फाइव पुस्तक के लेखक कौन है चेतन भगत हैं सी ऑप्शन सही हो जाएगा काफी आराम आराम से सभी पुस्तक को कवर कर रहे हैं ताकि आप वो वीडियो में ही तीन चार बार रिपीट कर लें और याद हो जाए अगला देखते हैं द गिल्डेड बोलवास पुस्तक के लेखक कौन है तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला है चेतन भगत दूसरा है रोशनी चौकसी तीसरा है अभिनवनाथ चौथा है इनमें से कोई नहीं तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा रोशनी चौकसी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है द गिल्डेड बोलबास पुस्तक के लेखक कौन है तो रोशनी चौकसी हैं अगला देखते हैं डेयर आई क्वेश्चन डेयर आई क्वेश्चन पुस्तक के लेखक कौन हैं तो पहला ऑप्शन है अजय नारंग दूसरा है हामिद अंसारी तीसरा है राहुल गांधी चौथा है इनमें से कोई नहीं तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा हामिद अंसारी डेयर आई क्वेश्चन पुस्तक के लेखक कौन हैं हामिद अंसारी हैं अगला देखते हैं द इंग्लिश पेशेंट द इंग्लिश पेशेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ऑप्शन है विलियम कुक दूसरा है अर्नब गोस्वामी तीसरा ऑप्शन है माइकल औंडा टजे दूसरा ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा माइकल औंडा टजे द इंग्लिश पेशेंट पुस्तक के लेखक माइकल आउंडा टजे हैं तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा अगला देखते हैं इंडियाज लास्ट इंडियाज लास्ट फ्रंटियर पुस्तक के लेखक कौन हैं तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ऑप्शन है सुरेश प्रभु दूसरा है राघवेंद्र सिंह तीसरा है बिपिन रावत चौथा है इनमें से कोई नहीं तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा राघवेंद्र सिंह इंडियाज लास्ट फ्रंटियर पुस्तक के लेखक राघवेंद्र सिंह हैं तो आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं अब दोस्तों पांच पुस्तक पुरानी लाए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है रिपीट हो चुका है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा चाणक्य चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता था ये चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित थे तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं तो चाणक्य हैं तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा अर्थशास्त्र ये किससे संबंधित है राजनीति से संबंधित है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त है एक ही नाम है और किससे संबंधित है ये पुस्तक तो राजनीति से संबंधित है अगला देखते हैं मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन हैं तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा विशाख दत्त विशाख दत्त मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन हैं विशाख दत्त हैं तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा अगला देखते हैं मृछ कटकम पुस्तक के लेखक कौन हैं तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ऑप्शन है विशाख दत्त दूसरा है वराहमिहिर, तीसरा है शूद्रक चौथा है इनमें से कोई नहीं तो आप ऑप्शन सी सही हो जाएगा शूद्रक मृक्ष कटकम पुस्तक के लेखक कौन है तो शूद्रक है सी ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तरंगणी पुस्तक के लेखक कौन है तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला है पारनी दूसरा है कालिदास तीसरा है कल्हड़ चौथा है इनमें से कोई नहीं तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कल्हड़ राज तरंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन है तो कल्हड़ है सी ऑप्शन सही हो जाएगा कालिदास की पुस्तक है कुमार संभव काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगला देखते हैं महाभास पुस्तक के लेखक कौन हैं तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ऑप्शन है कपिल दूसरा है पतंजलि तीसरा है गौतम चौथा है इनमें से कोई नहीं तो आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा पतंजलि महाभाष पुस्तक के लेखक कौन है पतंजलि हैं तो आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा काफ़ी इम्पॉर्टेंट पच्चीस पुस्तक के बारे में चर्चा कर लिए हैं आपके एसएससी हो गया ग्रुप डी हो गया रेलवे हो गया एसएससी में ज़्यादा पुस्तक पूछी जाती हैं बाकी और सभी में पूछी जाती हैं जितने भी एग्जाम करीब करीब होते हैं तो सभी साथी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दिया करें यह सेशन आपको कैसा लगा और ज़्यादा तेज़ पढ़ाना हो तो ये भी कमेंट बॉक्स में बता दिया करें तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत